हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो जैसे कि आप सभी विदित है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन के बारे में। उसी से रिलेटेड मैंने एक दो यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं जो कि अभी तक तो एई जेई में तो अभी तक पूछे नहीं गए। हो सकता है इस बार पूछ ले। ये आईएएस में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते जरा। इसने बोला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड टू द फेनोमेनन ऑफ कैविटेशन इन अ फ्लूइड फ्लो। कैविटेशन के बारे में आप हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कैविटेशन के बारे में। कैविटेशन अकर्स व्हेन लोकल वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड सो दैट द लोकल प्रेशर इंक्रीज टू हाई डिग्री। अब आप खुद बताइएगा, जब हमने ये अभी तक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था तो उस केस में प्रेशर इंक्रीज करता है? आप बताएंगे बिल्कुल इंक्रीज नहीं करता। प्रेशर तो उस केस में इंक्रीज ही नहीं करता। अब प्रेशर तो डिक्रीज करता था, प्रेशर तो मिनिमम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन गलत है। फिर से बता रहा हूं मैं, कैविटेशन अकर्स व्हेन लोकल वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड सो दैट लोकल प्रेशर इंक्रीज सो टू हाई डिग्री। उसमें तो प्रेशर डिक्रीज होता है, यहाँ इंक्रीज दिया, यानी ऑप्शन गलत है। अब इसके बाद देखते हैं। अब देखो ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें। ए ऑप्शन गलत है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए ऑप्शन नहीं है? इसके अलावा मैंने पहले ही लगा दिया आंसर ये होगा आंसर, क्योंकि मुझे पता था इस तरह से ऑप्शन दिए थे इस क्वेश्चन में। मतलब एलिमिनेशन मेथड हमारा काम आया है। कैसे आया? क्योंकि तीन ऑप्शन में ए था, ए पहले से गलत है, तो यानी कि कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। पर आईएएस में इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो वो वैसे घुमा के देते हैं कि मतलब जिसमें कि दो तीन ऑप्शन में फंस जाते हैं। इसमें तो बहुत आसान था, ये मैंने एक पता कर लिया कि गलत है तो दूसरा पता चल गया। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते क्वेश्चन के। अगर मुझे पहले से पता ना होता, अगर मुझे कैविटेशन के बारे में ही पता ना होता तो मैं कैसे मतलब एलिमिनेट करता? मुझे थोड़ा नॉलेज था। जब हमें नॉलेज होगा कैविटेशन वेपर प्रेशर के बारे में, जब मैंने आपको सही से बता रखा तो भी तो ये एलिमिनेट हो जाए। अब दूसरा ऑप्शन देखना। अब आंख बंद करके सारे ऑप्शन सही हो गए। कैविटेशन अकर इफ एलिवेशन इज हाई, बिल्कुल सही बात है। जब मैंने आपके साथ जिक्र किया था, जैसे पाइप वाले बात की थी मैंने, इस तरह से ये पाइप बनाया था मैंने इस तरह से, तो यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे प्रेशर क्या था? पी मिनिमम था, और एलिवेशन सबसे ज्यादा है। यहाँ पे एलिवेशन जेड वन मान लीजिए, जेड टू है, और ये जेड थ्री थी, जेड थ्री, तो कौन सी एलिवेशन है? मैक्सिमम एलिवेशन था और वहां पे प्रेशर डिक्रीज, एम्बिएंट प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या प्रेशर मिनिमम आया था इस पॉइंट पे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। डिक्रीज ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कैविटेशन अकर्स इफ लोकल वेलोसिटी इज इंक्रीज, ये भी सही है बात है। सो दैट लोकल प्रेशर डिक्रीज, हाँ अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो लोकल प्रेशर तो डिक्रीज होगा, ये बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे प्रेशर मिनिमम है ना, तो वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी। भले इस पाइप में टोटल वेलोसिटी जो हम बता रहे हैं कि कांस्टेंट होगी, मतलब वेलोसिटी हेड कांस्टेंट होगा इसमें, लेकिन वेलोसिटी तो इंक्रीज कर जाएगी इस केस में, तो ये बिल्कुल सही है, यानी ये ऑप्शन सही आ गया। कैविटेशन इज डिपेंडेंट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, हाँ अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उस केस में क्या होगा? जैसे 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 वेपर प्रेशर इंक्रीज करता कैविटेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, ये बात आपको ध्यान दे रही है, बिल्कुल सही है। आपको पता है ना पी एब्सोल्यूट हमारे पास किससे कम होना चाहिए? वेपर प्रेशर से कम होना चाहिए। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो कैविटेशन तो और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ आसान इसलिए था क्योंकि हमें पहला ऑप्शन से हमने एलिमिनेट कर दिया, पहले ही आंसर लगा दिया। अगर ऐसे आईएएस में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि कम ही कम जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा नहीं गया उसी क्वेश्चन को यहाँ पे मतलब आईएएस में डाल दिया था, तो क्या करते हैं कि ये पहले ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। अगर नहीं तो यहाँ तो ऐसे आईएएस में तो ऑप्शन दे गए ही नहीं वो, जैसे यहाँ दिए, ये तो एक एलिमिनेट करने के बाद डायरेक्टली हमें पता चल जाती है सही है। लेकिन ये एलिमिनेशन मेथड तभी लगा सकते अगर आप बिल्कुल एक ऑप्शन पे 100% ये गारंटी ले सकते कि बिल्कुल सही है, तब लगा सकते हो 100% एक्यूरेसी साथ कि 100% एक्यूरेसी इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। यही दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे आईएएस में भी, अभी तक ए जेई में तो ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हो सकता है इस बार पूछ ले, तो सही से आपको ये भी पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सबसे पहले इसको देखना क्या पूछा है करेक्ट। कभी कभी ये होता है क्वेश्चन में ये बता देता है पहले से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो हमने आंसर सॉरी क्वेश्चन को सही से पढ़ना है सबसे पहले। करेक्ट पूछा है तो इसके नीचे अंडरलाइन खींच ली मैंने, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इज 25 टाइम्स दैट ऑफ एयर,
डेट ऑफ वाटर होगा ये, वाटर होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, वाटर होगा ये, ऑफ वाटर, ये वाटर होगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इज 25 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, जो कि गलत है, 15 टाइम्स होती है, 15 गुनी होती है, ये पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब ये डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नियर बाय, नियरली, नियरली 50 टाइम्स दैट ऑफ द एन एयर। आप बताएंगे सर ये भी तो गलत है, आपने बताया था, जो आपने पढ़ाया था वो तो आपने 55 टाइम्स लिखी थी, ये तो 50 टाइम्स है, 55 टाइम्स मैंने लिखी थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को सही से पढ़ना, वो ऑप्शन को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज, अगर ये वर्ड ना लिखा होता तब गलत था, तब 55 टाइम्स होता है, ये लिख लिया नियर बाय, मतलब लगभग, क्या है लगभग 50 टाइम्स, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अगर ये ऑप्शन वर्ड ना लिखा होता तो बिल्कुल सही, गलत था ये, लेकिन इससे नियर बाय लिखा तो 50 टाइम्स है। वैसे कितने गुनी होती है, 55 गुनी, 55 टाइम्स, टाइम्स दैट ऑफ एन एयर, ये बिल्कुल सही है। जब एक सही है तो और तो ऑप्शन गलत ही होंगे। देखो ना, वाटर इज इन सॉइल इज एबल टू राइज अ कंसिडरेबल डिस्टेंस एबो द ग्राउंड वाटर टेबल ड्यू टू द विस्कोसिटी, गलत है, इसके कारण तो होता ही नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू द टेम्परेचर, आप खुद बताओ, जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी गलत बोल दिया इन्होंने। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो कि गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन बी सही है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मैंने आपके साथ तो दो क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि पूछे जा सकते हैं, अभी तक यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हमने सारी चीज पढ़नी है। धन्यवाद।